वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जीपीए प्रपोजल का प्रिंट वन डीडीओ सर तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अपन कहीं जा नहीं सकते हैं। लेकिन अप्रैल मंथ की सैलरी से पूर्व अपने 220 रुपये जो कटना है सामूहिक दुर्घटना बीमा का, उसका प्रिंट अपने डीडीओ सर को बिल के साथ में चाहिए होता है, तो उसकी कॉपी अपन डीडीओ सर तक कैसे पहुंचाएं, ये इस वीडियो में अपन देखेंगे। दोस्तों, आपको लॉकडाउन के चलते किसी भी प्रकार के रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी डिडक्शन होगी 220 रुपये की, वो भी आपकी अप्रैल की तनख्वाह बिल से हो जाएगी और इसका प्रिंट भी डीडीओ सर तक पहुंच जाएगा। इसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा, आप यूं समझिए कि इस आइडिया को मैंने ही सर्च किया है कि डीडीओ सर तक जीपीए प्रपोजल की प्रिंट को कैसे पहुंचाया जाए। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते बहुत सारे ऐसे सिस्टम निकल गए हैं जिसमें पिछले महीने जैसे अपने मार्च का बिल था, तो बिल यहाँ पर ऑफलाइन बिल सबमिशन अपलोड हो गया था, यहाँ कहीं इसको ट्रेजरी में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सिस्टम इस लॉकडाउन के चलते हो गए हैं, लेकिन ये सब किस लिए है कि अपन को लॉकडाउन की पालना करनी है, अपन को घर में रहना है, अपन को सुरक्षित रहना है, इसलिए अपने को रिस्क नहीं लेना है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर है, एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नेम है, और ये क्रिएट ऑन की कौन सी तारीख को जीपीए प्रपोजल जनरेट हुआ था, और इसकी डिटेल सारी आ रही है। यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते ही इसका प्रिंट अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का कारण यही था कि कल मेरे चैनल पर एक कमेंट आया था, उसमें पूछा गया था कि सर, जीपीए प्रपोजल का प्रिंट अपन डीडीओ सर तक कैसे पहुँचाएं, बिकॉज अभी चल रहा है लॉकडाउन। यहाँ पर मैंने कम्युनिटी टैब में कल ही एक पोस्ट को भी कर दिया था कि लॉकडाउन की पालना भी करनी है और डीडीओ सर तक 220 रुपये जीपीए प्रपोजल सामूहिक दुर्घटना की हार्ड कॉपी भी पहुँचानी है, ऐसी क्या सुविधा करें कि दोनों काम घर बैठे हो जाएं। इसमें बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे, यहाँ पर 34 कमेंट हैं, और 34 कमेंट में भी सभी के अलग अलग सुझाव हैं। किसी का कहना है कि सर, डीडीओ सर को प्रिंट निकाल कर मेल कर देंगे, तो कोई स्क्रीनशॉट भेजने का कह रहा है, तो कोई व्हाट्सअप करने का कह रहा है, सभी के अपने अपने सुझाव आए थे। मैंने इसमें लिखा भी था कि अगर आपके माइंड में मेरे वीडियो से पहले कोई सुझाव आता है तो मुझे कमेंट करें। इस वीडियो में देखने वाली बात यही है कि एम्प्लॉई स्वयं की क्या जवाबदारी है, इसमें एम्प्लॉई स्वयं को क्या करना है। दोस्तों, यहाँ पर आदेश की भाषा स्पष्ट है। यहाँ पर तीसरे नंबर का पॉइंट है, अगर किसी एम्प्लॉई ने प्रीवियस ईयर प्रस्ताव पत्र को भर दिया था तो उसे दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि जो नया एम्प्लॉई हैं, जिसकी न्यू पोस्टिंग हुई है, और जिन एम्प्लॉई के डीडीओ चेंज हुए हैं, जैसे ट्रांसफ़र की वजह से चेंज हुए हैं या फिर प्रमोशन हुआ है, तो उस वजह से अगर डीडीओ चेंज हुआ है तो उनको भरना आवश्यक है। यहाँ आगामी वर्ष 2021 के लिए सभी तरह के किसी भी एम्प्लॉई का यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले एम्प्लॉई को अपना SSO लॉगिन करना है। यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल आफ्टर यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। SSO लॉगिन आफ्टर माय ट्रांजेक्शन में चेक कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर आपने भरा है या नहीं। अगर आपने भरा है तो यहाँ पर DDO द्वारा उसको अप्रूवल कर दिया जाएगा, और अगर एम्प्लॉई द्वारा जीपीए प्रपोजल अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पर जीपीए प्रपोजल अपडेट कर लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी सबमिट करते ही ये टोटली इन्फॉर्मेशन इसकी अपडेट कर लेगा। जीपीए प्रपोजल अपडेट करना बहुत ही सरल है। यहाँ पर ये एम्प्लॉई की इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉई आईडी वगैरह, और आर यू करेंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एनी ऑर्गन, मतलब शरीर के किसी अंग से अपंग है, तो यहाँ पर यस कर लेंगे, नहीं तो यहाँ नो, ऑलरेडी सेलेक्ट ही है। और आफ्टर यहाँ पर जीपीए प्रीमियम डिटेल से 220 रुपया, इसमें सर्विस टैक्स और ये कृषि कल्याण टैक्स वगैरह
कुछ भी नहीं है, ये 2 साल पहले था, 253 रुपया हो रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स, अब यहाँ पर नॉमिनी सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके नॉमिनी यहाँ पर अपडेट नहीं है तो DDO लॉगिन से पहले नॉमिनी अपडेट करवाएं, उसके बाद में ही यहाँ पर नॉमिनी शो होगा, अन्यथा आपकी GPA प्रपोजल की प्रोसेस रुक जाएगी। आफ्टर यहाँ पर नॉमिनी को जो भी नॉमिनी सेलेक्ट करना है आपको 100% करना है तो 100%, अन्यथा जो भी आपको 50-50 करना है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर GPA शेयर 100% आफ्टर सेलेक्ट, छोटी सी प्रोसेस है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? ओके, ये GPA प्रपोजल डाटा सेव सक्सेसफुली, दिस पे दिस अमाउंट ऑनलाइन, प्लीज कन्फर्म द सैलरी ड्रॉन। इस मैसेज का मतलब ये है कि आपके सैलरी जहाँ से बन रही है वहाँ से ये 220 रुपया डिडक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का कारण खास यही था कि लॉकडाउन के दौरान अपन प्रिंट किस टाइप से DDO सर तक पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ पर अपन ज़्यादातर पेंडिंग टास्क जो होता है DDO का उसमें प्रिंट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रिंट नहीं है। इसको भी मैं ओपन करके बता देता हूँ। जैसे अपन ने DDO पर सबमिट किया अभी GPA प्रपोजल, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट डिक्लेरेशन है, लोन डिटेल्स है और ये कोई फाइनल अप्लाई लोन। तो यहाँ पर DDO के GPA स्टेटस में वो प्रिंट अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले जो नील रिपोर्ट बता रहा था उसमें एक प्रपत्र यहाँ पर 2021 फाइनेंशियल ईयर, इसमें ये जो अपन ने अभी सबमिट किया वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया। अब इसकी प्रिंट यहाँ से DDO सर द्वारा निकाल ली जाएगी। आपको इसे न तो व्हाट्सअप करने की आवश्यकता है, न स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है और न ही कोई मेल करने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ ओनली आपके जो PO ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सअप ग्रुप चल रहा है, उसमें केवल एक इन्फॉर्मेशन दे देनी कि सर मैंने मेरी ID से अपडेट कर लिया है तो मेरा GPA प्रपोजल स्टेटस में अवेलेबल हो जाएगा। और जिन्होंने भर दिया है उनकी यहाँ पर 19-20 प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है उसको सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर टोटल प्रिंट उनकी अवेलेबल हो जाएगी। तो DDO सर को जो प्रिंट चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी। तो एम्प्लॉय की स्वयं की जवाबदारी ये है कि पहले अपना SSO लॉगिन करे, अगर उन्होंने पिछले साल अपडेट किया है तो उसको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर उसमें कोई नॉमिनी वगैरह चेंज है और कोई सुधार है और जिनका ट्रांसफ़र या प्रमोशन हुआ है और जिनके DDO चेंज हुए हैं उनके लिए नए सिरे से भरना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।